हेलो दोस्तों, आपको स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आरजे ज्ञान क्लासेस में। तो चलिए, पूर्वोत्तर रेलवे जो है एनई रेलवे, वहाँ जेई का एग्ज़ाम हुआ है। एग्ज़ाम का डेट है 9 जुलाई 2021 को, यानी कि इसी महीने वो एग्ज़ाम हुई है। तो एकदम करेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इससे रिलेटेड आपको जानना चाहिए कि किस प्रकार से अभी ट्रेड जो किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसलिए मैं आप लोगों के लेके आया हूँ। ये क्वेश्चन है, 90 मिनट इसका टाइम है, यानी कि 1.5 घंटे का समय है। टोटल 110 प्रश्न हैं, 100 उसमें से अटेम्प्ट आपको करना है, यानी कि 110 अंक है, लेकिन 100 अंक ही तक आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। ये एनी रेलवे का है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जैसा कि आप जानते हैं सारे क्वेश्चन अब ऑब्जेक्टिव हो गए हैं, अब सब्जेक्टिव पूछे ही नहीं जाते हैं। तो देखिए, कुल 110 प्रश्न है, जिसमें कुल 110 प्रश्न हैं, जिसमें से आपको 100 तक ही अटेम्प्ट करना है। जहाँ तक आपका 100 काउंट पूरा होगा, वहीं तक के क्वेश्चन को काउंट किया जाएगा, या गलत हो या सही हो, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, जो क्वेश्चन नहीं आता है वही 10 क्वेश्चन आप छोड़ दीजिएगा, बाकी आप बना लीजिएगा, ठीक है। और क्या बोल रहा है देखते हैं। क्वेश्चन प्रश्न संख्या 1 से 110 तक राजभाषा के दिए, अच्छा 101 जो वैकल्पिक है, मतलब कि 101 से लेके 110 तक वैकल्पिक है, मतलब कि आप उसको उसके जगह पर इधर भी बना सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से चलते हैं। बायोटैंक जो ICF का होता है, वो उसका आयतन कितना होता है वो आपको पूछ रहा है, ठीक है। इसका 400 लीटर का आयतन होता है, जो बायोटैंक का ICF होता है उसका 400 लीटर का आयतन होता है। ICF कोच का राइडिंग इंडेक्स पूछ रहा है, तो 3.5 होता है, 2 का हो जाएगा पहला, LHB का तो मालूम ही है। उसके बाद LHB कोच की अधिकतम गति जो है 160 किलोमीटर है, इसको अपग्रेड किया जा रहा है 200 किलोमीटर के लिए, लेकिन 160 ही अभी अधिकतम है, 160, यानी 3 को हो जाएगा 2। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। ICF कोच का POH यानी पीरियोडिक ओवरहॉलिंग जो है, जनरली ICF का पूछेगा, तो आप 18 महीना यानी कि 18 मंथ्स लगाइएगा। अगर आपको OCV या PCV करके पूछेगा तो उसको 24 मंथ्स होता है, उसका IOH 12 मंथ्स पर होता है, लेकिन ये जनरली ICF का अगर पूछेगा तो POH 18 मंथ्स और IOH 9 उसका हाफ 9 मंथ्स, ठीक है। तो इसका 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, नॉन एसी कोचेस का एक्सेल लोड, नॉन एसी जो कोचेज होते हैं उसका 13 टन का होता है, 16.25 एसी का होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, जो बिल्कुल गलत है। देखिए इसमें रेल स्तर से कोच की अधिकतम फ्लेंज मोटाई दिया है, कोच की नहीं है, व्हील की होना चाहिए था, ठीक है। अगर व्हील होता तो 28.5 ले लेते हैं, ठीक है। चलिए ये बिल्कुल गलत क्वेश्चन है, इसका कोई ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है, ना क्वेश्चन मैच कर रहा है, इसको बिल्कुल आप नेगलेक्ट कर दीजिए, एक दो हो जाता है गलती। LHB यानों में लेबोरेटरी जो होते हैं, मतलब शौचालय होते हैं, वो 4 होते हैं, ठीक है। 4 LHB जो कोचेज होते हैं उसमें 4 शौचालय होते हैं, आप कभी LHB कोचेज में बैठिएगा तो देख लीजिएगा, 4 होते हैं। चलिए धूरा की जांच, ठीक है, यानी कि एक्सल का जो टेस्ट होता है उसको क्या कहते हैं, अल्ट्रासोनिक टेस्ट कहता है, UST, ठीक है, अल्ट्रासोनिक टेस्ट UST होता है, ठीक है। ब्रेक पाइप का प्रेशर, ठीक है, प्रेशर ब्रेक पाइप प्रेशर कितना होता है, BP का 5 kg और FP का 6 kg होता है, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, रेल स्तर से बफर के केंद्र तक अधिकतम मानक बफर ऊंचाई होती है, यानी कि द मैक्सिमम स्टैंडर्ड बफर हाइट ऑफ रेल लेवल टू सेंटर ऑफ बफर इज मैक्सिमम 1105, मिनिमम 1030, ठीक है। तो 10 का हो जाएगा 3। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। 11 देखिए, 11 में क्या बोल रहा है, ICF ब्रॉड गेज कोच के शरीर की ऊपरी लंबाई, यानी कि लेंथ ओवर बॉडी ऑफ ICF कोचेस, ICF कोचेस का लेंथ ओवर बॉडी, लेंथ ओवर कपलर होता है, लेंथ ओवर बॉडी होता है, ठीक है। सबका क्या क्या होता है, बहुत सारे वीडियोस हमने आप लोग बता के दे दिए हैं, और PDF तो आपके पास है ही। तो 11 का जो हो जाएगा 3 हो जाएगा 21,337, 21,337, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखें,
पायलट वॉल्व का दूसरा नाम जो होता है, द अदर नेम ऑफ पायलट वॉल्व इज, अदर नेम ऑफ पायलट वॉल्व इज PEASD, ठीक है, PEASD, पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस। बहुत इजी प्रश्न था ये। निरीक्षण गाड़ी, ठीक है, प्रशासनिक, व्हाट इज द ट्रांसपोर्टेशन कोड ऑफ इंस्पेक्शन कैरिज एडमिनिस्ट्रेटिव जो होता है RA होता है, यानी कि 13 का हो जाएगा 4। इसने ये भी सीरी नहीं दिया है, 1, 2, 3, 4 दिया, लेकिन कोई बात नहीं है, एक बात ही है, सब एक जैसे ही हैं। 14 देखिए, कोचिंग स्टॉक दुर्घटना जिसमें मानव जीवन की जांच शामिल है, कोचिंग स्टॉक एक्सीडेंट इन्वॉल्विंग ह्यूमन लाइफ इंक्वायरी से जो इन्वॉल्व है, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसका हो जाएगा CRS, ठीक है, CRS। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। मैनिपुलेटर के क्या उद्देश्य है? मैनिपुलेटर का उद्देश्य डाउन हैंड बिल्डिंग के लिए है। रायपुर डिवीजन में भी ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, सारे क्वेश्चन आपको होना चाहिए, आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। और यही क्वेश्चन जो है, हमने संडे का जो टेस्ट लिया था 25 जुलाई को, उसमें यही क्वेश्चन हमने दिया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देने से क्या फ़ायदा हुआ टेस्ट में, कि आपको एकदम अनुभव हुआ कि बिल्कुल जो है रेलवे एग्ज़ाम ले रही है, और सबके पास तो ये क्वेश्चन होता ही नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, यही किसी को बताता नहीं हूँ, डायरेक्ट ये क्वेश्चन आपको दे देता हूँ। तो इससे आपको फ़ायदा क्या होगा, या आपको ऐसा फील होगा कि बिल्कुल रेलवे एग्ज़ाम कंडक्ट कर रही है, और क्वेश्चन भी बिल्कुल एकदम मिले जुले रहते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन रहते हैं। तो इसमें अगर आप मार्क्स अच्छा लाते हैं, जैसा कि रिजल्ट भी हमने दे दिया है, अच्छे मार्क्स भी लाए हैं, 88 मार्क्स भी लाए हैं, 88, 87 इस तरह से मार्क्स लाए हैं सब, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। तैयारी कीजिए, आपका भी अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा, और यहाँ अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा तो जी जो आप मेन एग्ज़ाम जेई कर देंगे वहाँ भी अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा, इसलिए टेस्ट बहुत ही आवश्यक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। FRP से आप क्या समझते हैं, ठीक है। FRP होता है फाइबर रेनफोर्स प्लास्टिक जो होता है, FRP फाइबर रेनफोर्स प्लास्टिक हमें पढ़ाया है, ये फाइबर प्रज्वलित प्रबलित तो नहीं पढ़ाया था, लेकिन हिंदी में आ गया, इसलिए इंग्लिश और हिंदी दोनों को समझिए। हिंदी अगर इंग्लिश को ही ज़्यादा पकड़ते हैं तो आपको ईजी रहेगा, हिंदी के पीछे भागने से थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। आपने ये प्रबलित प्लास्टिक का नाम पहली बार ही सुना होगा हिंदी में, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 17, एक छोर पर दो बफर्स के बीच की दूरी क्या है, ठीक है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू बफर्स एट वन एंड, ठीक, वन एंड से एक छोर से जो बफर की डिस्टेंस होती है 1956 होती है, ठीक है, 1956। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। 18 में क्या बोल रहा है, कोच के वायु भंडार की क्षमता। अच्छा, कोच में जो है, कोच के वायु भंडार, अच्छा AR, देखिए वायु भंडार का मतलब ये नहीं समझ पाए हम, कैपेसिटी ऑफ एयर रिजर्वर ऑफ द कोचिज, एयर रिजर्वायर जो होता है उसका कोच का जो होता है 200 लीटर का, 200 लीटर का, और कोच गुड्स का होता है 100 लीटर का, और जिसमें फीबा लगा रहेगा, फीबा, जिससे कि फीबा का जो बिलो होता है, जो ऑपरेट होता है, उसमें अगर जो 150 लीटर का एक एक्स्ट्रा लगाया जाता है, याद रखिएगा 200 लीटर और 100 लीटर है, फीवा वाला में 150 लीटर है। चलिए 19 देखिए, अलार्म चैन एप्लीकेशन के लिए आवश्यक पुलिंग फोर्स अधिक होनी चाहिए, मतलब द पुलिंग फोर्स रिक्वायर्ड फॉर अलार्म चैन एप्लीकेशन शुड बी मोर देन, अलार्म चैन का जो है 7 से 10 केजी का होता है, ठीक है, 7 to 10 केजी इसको करके लोड दे के चेक किया जाता है, अलार्म चैन रियली में काम कर रहा है, वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो 19 का हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए आप लोग क्वेश्चन भेजते हैं तो आप उसमें क्रॉस मार्क या टिक मार्क के ABCD में जो टिक मार्क करके नहीं भेजिए, क्योंकि पढ़ाने में परेशानी होती है, ठीक है। ब्रेक पैड की कंडमनिंग सीमा, ब्रेक पैड जो होता है 7 mm होता है, ठीक है, न्यू ब्रेक पैड का 35 mm होता है, और 28 mm तक घिस जाए तो भी चलता है, 7 mm इसका कंडमनिंग साइज है, यानी कि 35 न्यू में और कंडमनिंग साइज 7 mm, दो ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, एक न्यू और एक कंडमनिंग साइज। तो
इससे 20 का हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, लोड ट्रांसमिशन इन ICF कोचेज इज, ICF कोचेज का लोड ट्रांसमिशन साइड वेयर के होता है, सबको मालूम है ठीक है, ये तो क्वेश्चन भी बार बार ये भी क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 22, रिफर्स टू द नॉर्मल LHB चेयर का, अच्छा LHB जो चेयर का नॉर्मल होता है उसका कोड पूछ रहा है वो कोच का, ठीक है बहुत ही आसान है, LWSCZ, ठीक है इसका LWSCZ है, L है मतलब LHB है ठीक है, ऐसे चेयर कार का CZ होता है ठीक है, W से वेस्टिबल हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, ACICF RCF यान में कितने आपातकालीन है, मतलब इमरजेंसी विंडो, हाउ मेनी इमरजेंसी विंडो आर देयर इन ACICF RCF कोचेस, तो 4 इमरजेंसी विंडो आर देयर इन ACICF कोचेस ठीक है। 23 का हो जाएगा 3, 24 देखिए, कंडेमनिंग व्हील डाया इन फिएट बोगी कंडेमनिंग व्हील डाया 845 होता है, कहीं कहीं 855 भी होता है लेकिन 845 ही चल रहा है ठीक है, आप 845 ही इसका आंसर लेंगे, 1 हो जाएगा 24 का 1। चलिए, व्हाट शुड बी द मिनिमम बफर हाइट आफ्टर POH, POH के जो होता है उसके मिनिमम बफर हाइट POH के बाद, जब POH होगा यानी पीरियोडिक ओवरहॉलिंग जब होगी तो उसके बाद उसका जो बफर हाइट कितना होगा ये बोलना है, 1090 होगा ऐसे ठीक है, मिनिमम आपको पूछे 1030 होगा, मैक्सिमम 1105। तो इस तरह से 3 क्वेश्चन आपको यहाँ याद हो गए होंगे। 26 देखिए, व्हाट इज द पीरियडिसिटी ऑफ IOH ऑफ ICF कोचेस, ICF कोचेस का जो पीरियडिसिटी होता है IOH यानी कि इंटरमीडिएट ओवरहॉलिंग, POH होता है पीरियोडिक ओवरहॉलिंग, और वैगन में होता है जो गुड्स होते हैं उसमें ROH होता है रूटीन ओवरहॉलिंग, तो इसमें ICF का पूछ रहा है IOH तो 9 मंथ्स पर होता है, अगर यही OCB PCB या इस तरह के जो व्हीकल्स होते हैं मतलब जो ट्रेन्स होते हैं उसको पूछेगा तो उसमें 12 मंथ्स IOH होता है, इसका आंसर हो जाएगा 26 का 1। 27 देखिए, व्हाट काइंड ऑफ मेंटेनेंस इज यूज फॉर रोलिंग स्टॉक, रोलिंग स्टॉक में किस प्रकार के जो मेंटेनेंस का किया जाता है वो आपसे पूछ रहा है ठीक है, बहुत ही आसान प्रश्न है ठीक है, इसका हो जाएगा 3। ब्रेक डाउन मेंटेनेंस एंड प्रिवेंटिव मेंटेनेंस बोथ आर मेंटेन्ड एंड इन रोलिंग स्टॉक, यानी कि 27 का 3 बोथ। 28 देखिए, द CBC फिटर LHB कोचेज हैज, जो LHB कोच में CBC फिट किए जाते हैं वो किस प्रकार के उसका जो वर्क क्या होता है ये बताए, ओनली पुलिंग मतलब खींचना या ओनली बफिंग या बफिंग जो स्ट्रोक होता है एक दूसरे से जब टक्कर होता है ना तो उसको एब्जॉर्ब करने के लिए, तो इसमें है दोनों काम इसमें होता है ठीक है, बोथ पुलिंग एंड बफिंग। 28 का हो जाएगा 3। 29 चलते हैं, न्यू ब्रेक पैड की मोटाई जो होता है 35 mm होता है, न्यू ब्रेक पैड 35 mm, ये सब कोचिंग का है, इसमें गुड्स से रिलेटेड एक भी प्रश्न नहीं होगा क्योंकि गोरखपुर का क्वेश्चन है ये, गोरखपुर में तो वैगन का काम होता ही नहीं है तो वहाँ तो वैगन से कोई रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे ही नहीं ठीक है, यदि गोरखपुर के कोई हैं तो ध्यान से देखिए आपको काम आएगा। LHB यान में कितने ब्रेक सिलेंडर होते हैं, हाउ मेनी ब्रेक सिलेंडर आर प्रोवाइडेड इन 1 LHB कोचेस, 1 LHB कोचेस, यहाँ देखिएगा जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो यहाँ देखिएगा सबसे पहले ये कोचेस पूछ रहा है कि बोगीज पूछ रहा है कि फिएट बोगी पूछ रहा है, अगर कोचेस हो तो 2 बोगी यानी कि पूरा कोच का लेंगे तो पूरा कोच में 2 बोगी होते हैं, ब्रेक सिलेंडर पूछेगा तो जितने चक्के होते हैं उतना ही ब्रेक सिलेंडर होता है, तो चक्के कितने हो जाएंगे 4 इधर 4 उधर 8 हो जाएंगे, ब्रेक सिलेंडर भी 8 होंगे, 30 का हो जाएगा 1, अगर बोगी पूछता तो 4 होता। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, हाउ मेनी टाइप ऑफ शॉक एब्जर्वर आर यूज्ड इन LHB कोच, LHB कोच में कितने प्रकार के शॉक एब्जर्वर होते हैं ठीक है, कि ये भी देखिएगा इस तरह के क्वेश्चन में कि हाउ मेनी टाइप्स पूछ रहा है, टोटल नहीं पूछ रहा है, टोटल अगर इसी में ऑप्शन में 18 लगा देगा
तो आप समझिए कि कितने होते हैं वो पूछ रहा है। नहीं नहीं आपको टाइप्स पूछ रहा है। तो टाइप्स कितने होते हैं, देखिए प्राइमरी जो प्राइमरी सस्पेंशन होता है उसमें एक होता है, जो प्राइमरी सस्पेंशन होता है उसमें एक होता है, टोटल चार प्रकार के होते हैं डैम्पर्स। एक सेकेंडरी सस्पेंशन में होता है, दो हो गया, एक व्यार डैम्पर होता है जिसको वाई डैम्पर भी कहा जाता है, तीन हो गया, एक ऊपर लेटरल डैम्पर होता है, चार हो गया, ठीक है। और प्राइमरी में चूंकि दो होते हैं तो कितना हो जाएगा, पाँच, लेकिन टाइप्स चार ही हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद रखिएगा। अगर कुल पूछे टोटल कोचेज में तो 18 होते हैं, बोगी में पूछे तो 9 होते हैं। 9 कहाँ कहाँ होते हैं, दो प्राइमरी सस्पेंशन में हो जाते हैं, ठीक है, और जो सेकेंडरी सस्पेंशन है उसमें दो इधर दो उधर हो जाते हैं, तो कितना हो जाएगा, चार, और चार प्राइमरी सस्पेंशन का 8 हो जाएगा, और एक लेटरल डैम्पर्स होते हैं, 9 हो जाएगा बोगी में, और उसका डबल अगर कोच में 18 टोटल हो जाता है। तो इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, द नंबर ऑफ ब्रेक सिलेंडर फिटेड इन कोच इन ए कोच बोगी माउंटेड एयर ब्रेक सिस्टम जो होता है ICF का, उसमें कितने सिलेंडर फिट किए जाते हैं वो आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो कितने सिलेंडर फिट किए जाते हैं, कितने सिलेंडर की संख्या पूछ रहा है, ठीक है। तो इसमें जो है 4 सिलेंडर फिट किए जाते हैं, एक बोगी में 2 और पूरे कोचेज में 4, ठीक है। फिटर इन्हें कोच लिखा हुआ है, बोगी नहीं लिखा हुआ है, तो कोच में कितने हो जाएंगे, 4, एक बोगी में 2 और दूसरे बोगी में 2, 4 हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, 32 का हो जाएगा 3, 33 का देखिए, एंकर लिंक की लंबाई, जो एंकर लिंक होता है उसकी लंबाई पूछ रहे हैं। तो एंकर लिंक का जो लंबाई होता है वो 451 होता है, 451 प्लस माइनस 1, अगर अच्छा से पूछे तो प्लस माइनस 1 होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, जो के टाइप का जो ब्रेक ब्लॉक होता है, के टाइप का, वो बोलिस्टर और बोगी ट्रांजम के बीच फिट किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, ICF चेयर कार में सीटों की कुल संख्या, ICF का जो चेयर कार होता है उसमें सीटों की कुल संख्या कितनी होती है, तो इसका हो जाएगा 73। ICF का जो चेयर कार होता है उसमें 73 चेयर कार यूज किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, ICF कोच में रूफ, व्हाट इज द थिकनेस ऑफ रूफ सीट इन ICF कोच, ICF कोच का जो रूफ होता है ऊपर का सीट, उसकी थिकनेस कितनी होती है, तो 1.6 mm, यानी कि 35 का हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, हाउ मेनी डैम्पर्स आर फिटेड इन LHB कोचेस, LHB कोचेस में कितने डैम्पर्स फिट किए जाते हैं वो करा है, वही शॉक एब्जर्वर जो होता है उसी को डैम्पर्स LHB में कहा जाता है। तो कोच में 18 टोटल फिट किए जाते हैं, 36 का हो जाएगा 3। अभी भी हमने इसके बारे में आपको अच्छी तरह से बता दिया था। उसके बाद 37 देखिए, योर वाई डैम्पर आर यूज्ड इन विच टाइप ऑफ कोचेस, किस प्रकार के कोचेस में योर डैम्पर या वाई डैम्पर फिट किया जाता है, ठीक है, योर डैम्पर या वाई डैम्पर बोलिए, तो ये LHB कोचेस में फिट किया जाता है, आपको पता है। क्वेश्चन नंबर 38, एयर स्प्रिंग इज यूज्ड, एयर स्प्रिंग कहाँ यूज किया जाता है, तो एयर स्प्रिंग जो यूज होता है वो LHB कोच के सेकेंडरी सस्पेंशन में भी होता है, ICF कोच के भी सेकेंडरी सस्पेंशन में होता है, लेकिन जनरली ICF में इसका यूज नहीं होता है। ये हाइब्रिड कोच जो ICF को मॉडिफाइड करके जो कोच बनाए जाते हैं उसी में ये एयर स्प्रिंग का यूज होता है, ठीक है। और तो इस तरह से इसका 3 हो जाएगा, बोथ 1 और 2, ठीक है। ICF का जो हाइब्रिड कोच होता है उसमें उसको LHB टाइप कोच भी नाम दिया जाता है, इसमें कि कोच ऊपर का जो होगा LHB का होगा, लेकिन नीचे की बोगी होगी ICF होगी, हाइब्रिड बोगी होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ एक्सिलरी रिजर्वायर यूज टू सप्लाई एयर टू एयर स्प्रिंग, देखिए ICF जो कौन सा एयर होता है, एक जो
एयर स्प्रिंग का जो बिलो होता है उसमें एयर सप्लाई करने के लिए जो एयर इस्तेमाल किया जाता है उसकी कैपेसिटी होता है 150 लीटर। ठीक है, अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि 150 लीटर जो फीवा लगा हुआ रहता है जिसमें एयर स्प्रिंग लगा रहता है उसके लिए 150 लीटर का यूज़ किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखें। ICF यानों के ब्रेक सिलेंडर में हवा का दबाव, देखिए ब्रेक सिलेंडर में हवा का दबाव तो कुछ भी नहीं होता है, शून्य होता है। ठीक है, जब तक ब्रेक रिलीज नहीं होगी उसमें एयर का प्रेशर जाएगा ही नहीं, तो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल रॉन्ग है। दो क्वेश्चन रॉन्ग मिल चुका है, एक क्वेश्चन नंबर 6 और एक क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए। येलो स्ट्रिप ऑन इन बॉडी ऑफ ICF फोचेस जो है ये एंटी टेलीस्कोपिक होता है। ठीक है, इसमें आप ये बिल्कुल ये जो आप बोल रहे हैं कि एयर ब्रेक सिस्टम के लिए जो ऐसा डाउट आपको होगा कि जो येलो स्ट्रिप होते हैं इन बॉडी इस तरह इसके बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो ये एंटी टेलीस्कोपिक होता है, मतलब कि ये बोगी का लास्ट हो जाता है, इसके बाद और कोई बोगी नहीं है, या पीछे से कोई और गाड़ी अगर किसी को कारणवश अगर आ जाती है तो उनको ये पता चलेगा कि आगे ट्रेन जा रही है, इसमें से लाइट नीचे एक नीचे लाइट भी लगा रहता है जिससे कि पता चलता है कि और आगे ट्रेन जा रही है और ये बोगी का लास्ट है। यदि बीच में किसी प्रकार से बोगी टूट जाती है, कपलिंग इसका कपलर या स्क्रू कपलर कोई भी प्रकार का कपलर टूटता है, बोगी अगर दो पार्ट में बट जाती है ट्रेन, तो आप इससे पता चलता है कि ये जो आगे का ट्रेन जा रहा है उसमें तो ये रहेगा नहीं, पता चलेगा कि ये किसी प्रकार से दिक्कत है, बोगी टूट चुकी है और इसमें जो इसमें लास्ट रहेगा इससे पता चलता है कि बोगी के लास्ट बोगी है, एंटी टेलीस्कोपिक होगा। ठीक है, 41 का ए वन। चलिए उसके बाद 42 देखिए। AC, ICF, RCF कोचों में कितने आपातकालीन खिड़कियाँ, इमरजेंसी विंडो तो चार ही होते हैं सब में। ठीक है, 42 का 3 हो जाएगा। चलिए 43 देखिए। हेडस्टॉक से मानक बफर प्रक्षेपण, मतलब स्टैंडर्ड बफर प्रोजेक्शन फ्रॉम हेडस्टॉक, हेडस्टॉक से जो स्टैंडर्ड बफर प्रोजेक्शन होता है 635 mm का होता है और जो इसका मिनिमम जो होता है मिनिमम वो 584 होता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। तो 43 का हो जाएगा, 43 का 2 हो जाएगा। ठीक है, आसान प्रश्न था, ऐसे प्रश्न आते इससे पहले भी आ चुके हैं। द डायमीटर ऑफ बफर प्लंजर फेस ऑफ ICF कोचेस, ICF कोचेस का जो बफर प्लंजर फेस होता है वो कितना होता है वो पूछ रहा है। बफर प्लंजर फेस जो होता है ICF का वो होता है 457 mm। ठीक है, तो 44 का हो जाएगा 2, ये होता है। उसके बाद 45 देखिए। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू बफर एट वन एंड, वन एंड से टू बफर का डिस्टेंस कितना होता है ये आपसे पूछ रहा है। तो ये इससे पहले भी ये क्वेश्चन शायद आ चुका है, तो इसका जो हो जाएगा 1956 mm होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। 46 व्हाट इज द मैक्सिमम बफर प्लंजर स्ट्रोक इन mm, बफर का जो प्लंजर का स्ट्रोक होगा मैक्सिमम वो होगा 127 mm। ठीक है, 127 mm। चलिए 47 चलते हैं। ICF सोल बार ऑफ ICF कोच कंसिस्ट ऑफ, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, वो जेड सेक्शन का होता है। ठीक है, जेड सेक्शन मतलब जेड के तरह सोल बार का जो कोर थोड़ा ऐसे होता है फिर ऐसे होता है फिर ऐसे होता है। ठीक है, ये टेढ़ा नहीं सीधा होता है। ठीक है, इस तरह से होता है, ऐसे होता है, इधर निकला हुआ रहता है, इधर रहता है, इस तरह से रहता है, उसको जेड सेक्शन है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए। ड्रॉ एंड बफिंग फोर ट्रांसमिशन इन कोच इन थ्रू इज थ्रू, मतलब कि ड्रॉ और बफिंग फोर जो होता है कोच का किसके थ्रू एब्जॉर्ब होता है ये आपसे पूछ रहा है। तो बहुत ही आसान है, सेंटर पिवट के थ्रू होता है। ठीक है, सेंटर पिवट। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए। हॉलिंग कैपेसिटी ऑफ एच टाइप CBC, एच टाइप जो CBC होती है उसकी हॉलिंग कैपेसिटी जो होती है वो होती है 9000 टन की। ठीक है, 9000 टन की। 49 का हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए।
व्हाट थिकनेस ऑफ हार्ड पैकिंग रिंग यूज फॉर 8892864 mm डायमीटर ऑफ टू व्हील सेट्स ऑफ बोगी। ठीक है, जो हमने आपको बताया था कि जो व्हील का जो डाया होता है वो अगर कम हो तो बफर उसमें पैकिंग पीस लगाकर उसको इसकी हाइट को ऊंचा किया जाता है। तो अगर 889 से 864 mm तक डाया है तो उसमें कितनी प्रकार कौन सा पैकिंग लगेगा वो पूछ रहा है। तो उसमें जो पैकिंग लगेगा 13 mm का लगेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, 51 देखिए, इसमें क्या पूछ रहे हैं। 863 से 840 mm अगर डाया है तो उसमें कौन सा पैकिंग लगेगा। तो 863 से 840 जो है उसमें जो पैकिंग लगेगा वो 26 mm का लगेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें चारों क्वेश्चन पूछ लिया है। ठीक है, बहुत अच्छा, जिनको याद होगा चार नंबर ऐसे ही आ जाएंगे। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, थिकनेस ऑफ हार्ड पैकिंग यूज फॉर 839 से 820 mm डायमीटर के लिए, 839 से 820 mm या 825 mm भी आपको ऑप्शन में आ सकता है क्वेश्चन में। तो इसमें 38 mm का डाया लगता है और 820 से अगर कम होता है यानी कि 819 mm होता है तो उसमें जो है 48 mm का 48 mm का लगता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 52 हो गया। क्वेश्चन 53 देखिए, इसमें भी चौथा भी पूछ लिया। ठीक है, तो 819 mm यानी कि 820 mm से कम अगर डाया है तो इसमें 48 mm का पैकिंग लगेगा। चार प्रकार के चार क्वेश्चन इससे आप बनते हैं, चारों रट लीजिए या समझ लीजिए, रटना तो नहीं है समझना है। तो आपको एक दो क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, बफर केसिंग बॉडी वॉल की नाम मात्र मोटाई, नॉमिनल थिकनेस ऑफ बफर केसिंग बॉडी वॉल, जो नॉमिनल थिकनेस होता है बफर केसिंग बॉडी वॉल का वो कितना होता है वो आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका जो होता है 11.5 mm। ठीक है, 11.5 यानी 54 का हो जाएगा 3। उसके बाद 55 देखिए, व्हाट इज द वियर लिमिट ऑफ बफर केसिंग बॉडी वॉल, वियर लिमिट अब पूछ रहा है, घिसने वाला लिमिट। तो वो जो वियर लिमिट अगर आपसे पूछ रहा है तो इसका जो हो जाएगा 5.50 mm। ठीक है, नॉमिनल थिकनेस 11.5 और वियर लिमिट 5.5 mm, तो 55 का हो जाएगा 4। आगे देखिए 56, व्हाट इज द वीकेस्ट लिंक ऑफ एच टाइप टाइट लॉक सेंटर बफर कपलर, वीकेस्ट लिंक इसका नकल होता है, 56 का हो जाएगा 2। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57, ICF कोच में प्रति साइड बियरर तेल के मात्रा, साइड बियरर है। ठीक है, इसको डैश कोट नहीं समझिएगा, साइड बियरर है। तेल की मात्रा जनरली जो है 2 लीटर होता है। ठीक है, लेकिन 2 लीटर ऑप्शन में नहीं दिया है तो हम इसको 4 ले लेंगे। ठीक है, 2.2 लीटर ले, सबसे क्लोज 2 लीटर से यही है, तो 2.2 लीटर इसका आंसर 4 हो जाएगा, 57 का हो जाएगा 4। चलिए 58 देखिए, राजपत्रित कर्मचारी जिन्हें, अच्छा है, पास का एक क्वेश्चन आ गया पास पीटी से। तो जो गजटेड स्टाफ है कर्मचारी है 25 वर्ष या उससे अधिक की सेवा कंप्लीट कर चुके हैं तो उनको सेवानिवृत्ति के बाद किस दर से कितने पास प्राप्त होंगे ये पूछ रहा है। ठीक है, तो 25 वर्ष से अधिक अगर सेवा प्राप्त कर लिए हैं तो इनको जो है 3 सेट पास मिलेगा। ठीक है, 25 वर्ष से यानी कि कम करते तो 2 ही सेट मिलता, तो हो जाएगा 58 का 3। 59 देखिए, ग्रुप सी कर्मचारी जिन्होंने 20 साल, ग्रुप सी स्टाफ हैविंग कंप्लीटेड 20 इयर्स ऑफ एंड मोर बट लेस देन 25 इयर्स ऑफ सर्विस, यानी कि 20 से ज़्यादा और 25 से कम सर्विस किया है, एंटाइटल्ड टू गेट पोस्ट, टू गेट पोस्ट रिटायरमेंट पास इन द रेट ऑफ, किस रेट से उनको मतलब कितना। तो 25 साल से कम किए हैं तो इनको 1 सेट ही मिलेगा। ठीक है, तो 59 का हो जाएगा 1। और ग्रुप डी जो एम्प्लॉय है यदि 20 साल से सेवा कम देते हैं तो उनको कोई पास नहीं मिलेगा, अब 20 साल से ज़्यादा कितना भी देंगे तो उनको 1 ही पास सेट मिलेगा। ठीक है, तो 59 का हो जाएगा, ग्रुप सी का है ना, तो
59 का हो जाएगा 1। इन रेजिडेंशियल कार्ड पास ए पर्सन कैन बी accompanied एज, मतलब कि जो आवासीय कार्ड पास होता है उसमें एक व्यक्ति के साथ जो यात्रा करने की अनुमति किसको है ये आपको पूछ रहा है, ठीक है। तो जो आवासीय कार्ड पास होता है इसमें किसी को अनुमति नहीं है, ठीक है, किसी की अनुमति नहीं है। इसका हो जाएगा 60 का 4, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 61। ग्रुप डी स्टाफ हैविंग कंप्लीटेड 20 इयर्स एंड मोर बट लेस देन 25 इयर्स, हमने पहला ग्रुप डी एम्प्लाई है 20 से ज़्यादा, 25 से कम सर्विस दी है, 20 से ज़्यादा कर ली है तो एक सीट पास उनको मिल जाएगा, अगर 25 भी कर लेते तो भी एक ही सीट मिलता है, इनको दो सीट नहीं मिलता। इसलिए आप लोग जेई बनिए, ग्रुप सी तो ग्रुप डी में मत रहिए, ग्रुप डी तो खैर एलिजिबल है ही नहीं इस पोस्ट के लिए, ग्रुप सी में ग्रुप सी के लोग ही जेई भर सकते हैं वो भी, तो इस तरह से आप तैयारी कीजिए। चलिए 62 हमने बता दिया, 61 बता दिया, 62 देखिए। ग्रुप डी के कर्मचारी, अच्छा ग्रुप डी स्टाफ हैविंग कंप्लीटेड 25 इयर्स एंड मोर सर्विस आर एंटाइटल्ड इन गेट द पोस्ट रिटायरमेंट पासेज द रेट ऑफ, अच्छा उनको भी एक ही सीट मिलेगा, उन्होंने बोला ग्रुप डी है 20 इयर्स एबव अगर सर्विस देते हैं तो एक सीट ही उनको मिलेगा, 62 का हो जाएगा 1। 63 देखिए, व्हाट विल बी द कलर ऑफ सेकेंड क्लास ए पास, सेकेंड क्लास का जो होता है जो कि टेक्नीशियन वगैरह को मिलता है या हेल्पर को भी एक साल में एक मिलता है सेकेंड क्लास ए पास, तो उसका जो ये होता है ए पास है तो येल्लो होता है, ठीक है। अगर सिर्फ सेकेंड क्लास पास है स्लीपर क्लास का तो वो होता है पिंक, ठीक है। तो 63 का हो जाएगा 3। 63 का 3, 64 देखिए। इंक्लूजन ऑफ डाइवोर्स एंड वीडो डाउटर इन पोस्ट रिटायरमेंट कम्प्लीमेंट्री पासेज, जो पोस्ट रिटायरमेंट कम्प्लीमेंट्री पास जो होते हैं उसमें विधवा जो है तलाकशुदा और विधवा बेटी को शामिल करना है कि नहीं तो कर सकते हैं, अलाउड है, ठीक है। चलिए आपको हो गया 64 हो गया, 65 देखिए। ए गार्डियन कैन बी इंक्लूडेड इन द स्कूल पास फोर, स्कूल जो पास होता है अभिभावक को शामिल किया जा सकता है, ठीक है। कब शामिल किया जा सकता है, तो उनको शामिल किया जा सकता है 18 साल से कम उम्र का लड़का हो, किसी भी उम्र की लड़की हो, 18 वर्ष ऊपर का शारीरिक रूप से विकलांग लड़का हो, मतलब फैमिली मेम्बर के कैटेगरी में जो आते हैं उनको शामिल किया जा सकता है। चलिए इसको हो जाएगा 65 का हो जाएगा 4। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ। लाइसेंस प्राप्त पोर्टर को अनुमति है, जो लाइसेंस प्राप्त पोर्टर होता है उनको क्या अनुमति है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो लाइसेंस प्राप्त लाइसेंस्ड पोर्टर आर अलाउड वन सेट कम्प्लीमेंट्री चेक पास फॉर सेल्फ ओनली, ठीक है, करेक्ट है। वन सेट ऑफ प्रिविलेज ऑर्डर पर ईयर फॉर सेल्फ एंड स्पाउस भी करेक्ट है, बोथ ए एंड बी ये भी करेक्ट है। तो 66 का जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। प्रथम श्रेणी ए का रंग क्या होता है, देखिए प्रथम श्रेणी ए फर्स्ट क्लास ए पास जो होगा वो वाइट कलर होगा, सिर्फ फर्स्ट क्लास पूछेगा ए नहीं रहेगा तो ग्रीन होता है, सेकेंड क्लास ए येल्लो होता है, सेकेंड क्लास पूछे ए नहीं रहे तो पिंक होता है। ये चारों प्रश्न में से एक प्रश्न हमेशा आते जाते रहते हैं, तो ये चारों क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है। हाउ मेनी ओकेजन डज ए वर्कशॉप स्टाफ कैन बी ग्रांटेड हाफ डे एलएपी, हाफ डे एलएपी जो वर्कशॉप स्टाफ लेते हैं वो कितनी बार ले सकते हैं वो आपसे पूछ रहा है, कितने अवसर पर ले सकते हैं, ठीक है। तो वो जो है वो 68 का जो है 6 ऑप्शन, 6 इसका आंसर हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 69। ए रेलवे शैल बी ग्रांटेड लीव ऑफ एनी काइंड ऑफ ए कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ नोट एक्सीडिंग,
मतलब कि जो एक रेलवे को किसी प्रकार की अवधि के लिए किसी प्रकार का अवकाश प्राप्त किया जाता है जो इतना से अधिक नहीं होगा। अच्छा, कोई भी प्रकार का आप छुट्टी लेते हैं कितना से 5 साल से ज़्यादा आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, तो 69 का हो जाएगा 3। उसके बाद चलिए 60 70 की तरफ, क्वारंटीन लीव। क्वारंटीन लीव क्या है? ठीक है, क्वारंटीन लीव जो है विड्रॉन। ठीक है, इसका ए हो जाए, 1 हो जाएगा विड्रॉन। क्वारंटीन लीव का जब आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा तो सेम यही ऑप्शन रहेंगे। ठीक है, तो इसका हो जाएगा विड्रॉन। क्वेश्चन नंबर 71, स्टडी लीव शैल काउंट फॉर। स्टडी लीव जो है काउंट फॉर पूछ रहा है। ठीक है, स्टडी लीव की जो काउंटिंग होता है किसके लिए की जाएगी स्टडी लीव? तो एलएपी जो है, अर्निंग एलएपी, इसका हो जाएगा 3 3 हो जाएगा। और हिंदी में इसका ऑप्शन में 4 दे दिया है। ठीक है, और इंग्लिश में दिया है 3। तो ऐसे में स्टूडेंट हो जाएंगे कंफ्यूज कि आप 3 मारेंगे 4 मारें। तो इस तरह क्वेश्चन में पहले वाला ही मारिएगा, पहले 3 इसका आंसर है तो 3 मार दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72, व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिटेशन ऑफ लीव नोट ड्यू ग्रांटेड ऑन मेडिकल सर्टिफिकेट ड्यूरिंग द इंटायर पीरियड ऑफ सर्विस? LND जो मिलता है मेडिकल सर्टिफिकेट के आधार पर, ठीक है, अधिकतम सीमा उसकी पूछ रहा है LND का, तो इसका हो जाएगा 360 डेज। ठीक है, 360 डेज। क्वेश्चन नंबर 73, इफ रेलवे अप्लाइज फॉर ए काइंड ऑफ लीव से LAP इन एडवांस, द कंपिटेंट अथॉरिटी में भी एडवांस LAP तो किसी को नहीं मिलता है। ठीक है, तो क्या करेगा, रेफ्यूज टू सेंक्शन। उसके 73 का हो जाएगा 3। चलिए आगे देखते हैं 74, कम्यूटेड लीव इज एडमिसेबल ऑन। जो कम्यूटेड लीव होता है वो मतलब कि कब स्वीकार होता है, तो वो जो कम्यूटेड लीव होता है वो मेडिकल सर्टिफिकेट के आधार पर स्वीकार होता है। इसका हो जाएगा ए, यानी कि 1 मेडिकल सर्टिफिकेट। 75 देखिए, स्टाफ ऑफ विच रेलवे आर इंटाइटल्ड टू अवेल एक्स्ट्रा कैजुअल लीव। एक्स्ट्रा कैजुअल लीव 5 डेज का मिलता है, 5 डेज का, वो कहाँ मिलता है ये आपसे पूछ रहा है। तो वो जो मिलता है NFR, ठीक है, नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे, NFR में मिलता है 5 डेज का एक्स्ट्रा कैजुअल लीव। तो इस क्वेश्चन को भी ध्यान रखिएगा। चलिए, हुम डज द कंपेंसेटरी कैजुअल लीव इज एडमिसिबल, मतलब प्रतिपूरक आकस्मिक लाभ किसके लिए स्वीकार है ये पूछ रहा है। तो किसके लिए स्वीकार है ये आपको जानना भी बहुत ज़रूरी है। ओनली ग्रुप सी और ग्रुप डी एम्प्लॉय, ठीक है, बट नॉट सुपरवाइजर। ओनली ग्रुप सी और ग्रुप डी एम्प्लॉय के लिए, सुपरवाइजर के लिए नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा 76 का 3। 76 का 3 हो जाएगा। 77 देखिए, व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड ऑफ लीव ऑन एवरेज पे एट टाइम दैट अ रेलवे सर्वेंट मे बी ग्रांटेड। अच्छा, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जा चुका है। तो इसका जो हो जाएगा 77 का, वो हो जाएगा 180 डेज। मैक्सिमम 180 डेज का लीव ग्रांटेड किया जाता है। उसके बाद 78, इन हाउ मेनी कॉपीज ऑफ CRI इज मेड। हाउ मेनी कॉपीज ऑफ CRI इज मेड, ये जो क्वेश्चन है, CRI जो कितने प्रकार के कॉपी बनाए जाते हैं वो 4 होते हैं। ठीक है, 4 कॉपी कहाँ कहाँ जाते हैं? पहला जो है फॉर रिकॉर्ड के लिए रखे जाते हैं, दूसरा जो है केप्ट बाय द स्टॉकिंग, जो उसका रखा जाता है स्टॉकिंग वर्क के लिए, और जो है डिपो के द्वारा रखा जाता है। थर्ड कॉपी जो है वो FNCA को फॉरवर्ड किया जाता है। फोर्थ कॉपी जो है क्या है, सप्लायर को सेंड किया जाता है। चलिए आगे हो गया, इसमें 4 याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 79,
हाउ मैनी डिजिट इन पीएल नंबर फॉर स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम के लिए जो पीएल नंबर होता है 8 अंकों का होता है, ठीक है। ये रायपुर डिवीजन में सब अंकों के बारे में पूछ दिया था, ये कौन से नंबर का क्या अर्थ होता है। देखिए 8 अंकों में फर्स्ट 2 डिजिट जो है ग्रुप को इंडिकेट करता है, सेकेंड 2 डिजिट जो है सब ग्रुप को इंडिकेट करता है, बाकी का 4 बचा उसमें से जो थर्ड 3 डिजिट मतलब कि पाँचवा से लेके नौवा तक, ठीक है, फर्स्ट 2 सेकेंड 2 फिर उसके बाद थर्ड बचा वो बताता है आइटम का जो सीरियल नंबर है वो बताता है, और लास्ट का डिजिट जो है चेक नंबर बताता है, चेक डिजिट उसको कहा जाता है। तो इस तरह से आपको 8 अंक होते हैं स्टॉक के लिए। चलिए 80 के चलते हैं, 80 नंबर देखते हैं। द इंसेंटिव कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन इज डन बाय, ये जो इंसेंटिव का जो कैलकुलेशन होता है वो रेट फिक्सिंग के द्वारा किया जाता है, रेट फिक्सिंग, ठीक है। प्रोग्रेस इंस्पेक्शन और NCWS ने इसका रेट फिक्सिंग, इसका आंसर हो जाएगा 4, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81। एज पर सेक्शन 2 इन फैक्ट्री एक्ट हु विल बी कॉल्ड एन एडल्ट, सेक्शन 2 के तहत एडल्ट किसको कहा जाता है। देखिए एडल्ट कहा जाता है उसको, सेक्शन 2 जो होता है कारखाना अधिनियम 1948 के तहत जो उसको कहा जाता है 18 वर्ष की जो आयु पूरी कर लिया हो, ठीक है, जिन्होंने कंप्लीट किया है 18 इयर्स ओल्ड उसको एडल्ट कहा जाता है, ठीक है। चाइल्ड किसको कहा जाता है ये भी आपसे पूछ सकता है, तो नॉट कंप्लीटेड 15 इयर्स ओल्ड, 15 साल का जो उम्र कंप्लीट नहीं किया है उसको चाइल्ड कहा जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन इससे पहले भी आ चुका है, नहीं आया नहीं था, हमने ही टेस्ट में डाला था ये क्वेश्चन, ठीक है। तो उसमें 15 साल है, उसके बाद आपको एडोलसेंट भी पूछा जाता है, ठीक है। तो 15 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और 18 वर्ष के बीच में उसका 18 वर्ष कंप्लीट नहीं किया हो, 15 से 18 साल के बीच में एडल्सेंट कहा जाता है, और यंग किया क्या क्या किसको कहा जाता है, या तो वो चाइल्ड हो या एडल्सेंट हो उसको यंग कहा जाता है। तो इस तरह से क्वेश्चन 81 में देखिए बहुत सारे हमने आपको बताए, कोई भी क्वेश्चन इससे छूटेगा नहीं, इस तरह के क्वेश्चन अगर आगे घुमा के भी आ गया तो। क्वेश्चन नंबर देखिए, यदि कर्मचारी की संख्या इफ देयर आर इतना नंबर ऑफ एम्प्लॉई देन द एम्प्लॉई हैज़ टू प्रोवाइड अकाउंटिंग, कितने फैक्ट्री एक्ट में है जो रूल्स बनाए गए हैं उसमें कहा गया है कि इतनी कर्मचारी फैक्ट्री के अंदर होंगे तभी जाके फैक्ट्री में कैंटीन की व्यवस्था की जाएगी, तो वो 250 है, ठीक है। 250 मेंबर्स अगर कैंटीन में एम्प्लॉई हैं तो कैंटीन की व्यवस्था करनी पड़ेगी अगर फैक्ट्री में 250 एम्प्लॉई हैं तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, एज पर द फैक्ट्री एक्ट आफ्टर हाउ मेनी शुड बी शुड द फैक्ट्री परमिसेस बी पेंटेड एंड रिफर्निश्ड, मतलब कि फैक्ट्री में पेंटिंग और रिफर्निशिंग का काम कितने साल पर कम से कम हो सकता है। तो 5 साल में एक बार ये करना बहुत ज़रूरी है, हालांकि ऐसा होता नहीं है, ठीक है। चलिए तो 84 का जो हो जाएगा 1 हो जाएगा, नहीं अच्छा 83 का, 83 का हो जाएगा 1, ठीक है। उसके बाद 84 में चलिए, इफ ए कंपनी हैज डैश नंबर ऑफ एम्प्लॉय देन द अपॉइंटिंग ऑफ सेफ्टी ऑफिसर इज मैंडेटरी अंडर द फैक्ट्री एक्ट, मतलब फैक्ट्री में अगर 1000 वर्कर्स काम करते हैं तो आपको फैक्ट्री में सेफ्टी ऑफिसर का नियुक्ति करना बहुत आवश्यक है, ठीक है। तो 84 का हो जाएगा 2 1000। 85 देखिए, हाउ मेनी आवर्स इन वीक कैन बी एडल्ट वर्क एज फैक्ट्री एक्ट, फैक्ट्री एक्ट अधिनियम के तहत किसी भी एडल्ट से 1 वीक में 48 आवर्स से ज़्यादा काम नहीं करा सकते हैं, ठीक है। 48 आवर्स यानी कि एक दिन का 8 घंटा, यदि लंच आपको आधा घंटा मिलता है तो 8.5 घंटा का वर्क होगा, यदि 1 घंटे का लंच मिलता है तो 9 घंटे का वर्क होगा, यानी 8 घंटा काम तो करना ही है। चलिए 86, इफ देर आर 100 वर्कर्स इन ए फैक्ट्री देन वन सीट इज अलॉटेड टू हाउ मैनी वर्कर्स, अच्छा जो अगर 100 वर्कर्स काम करते हैं तो कितने सीट होंगे वर्कर्स के लिए, नहीं जो काम कराने वाले हैं उनके लिए हैं कि बैठ के काम कराएंगे, उनको बैठने के लिए सीट अलॉट कराए जाएंगे, क्योंकि वर्कर्स तो काम करेंगे उनको बैठने का टाइम नहीं रहेगा।
तो इस तरह से ये वर्कर्स के नहीं के लिए नहीं है, जो सुपरवाइजर या ऑफिसर्स होंगे उनके लिए है। तो 18 वर्कर्स पर एक होते हैं एक्चुअली में, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया है, तो आपको क्या करना है, जो ऑप्शन दिया है उसी के अनुसार चलना है। तो 86 का 1 हो जाएगा 25, ठीक है, 100 वर्कर्स पर 25 ले लेंगे, ठीक है, ऐसे 18 होता है एक्चुअली में, लेकिन 25 ले लेंगे, 86 का हो जाएगा 1। 87 देखिए, इफ देयर आर डैश नंबर ऑफ एम्प्लॉय देन द एम्प्लॉयर हैज़ टू प्रोवाइड ए एम्बुलेंस। अच्छा, कितना एम्प्लॉय अगर वर्क फैक्ट्री में काम करेंगे तो एम्बुलेंस जो है प्रोवाइड करना बहुत ही ज़रूरी है। 87 का देखिए 500 वर्कर्स, ठीक है, 500 वर्कर्स अगर फैक्ट्री में काम करते हैं तो एम्बुलेंस की व्यवस्था करना बहुत अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, फ्रॉम द बिलो मेंशन ऑप्शंस विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन अंडर द वेलफेयर प्रोवाइड इन फैक्ट्री एक्ट। वेलफेयर के तहत कौन सा फैक्ट्री में फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं किया जाता है, उल्लेख नहीं है ये पूछ रहा है, ठीक है। तो वेलफेयर में क्या है, क्रीचेस भी है, ठीक है, फर्स्ट एड भी है, कैंटीन भी है, लेकिन ड्रिंकिंग वाटर ये वेलफेयर के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 88 का 3, 88 का हो जाएगा 3। आगे देखते हैं 89 की तरफ, हाउ मेनी डेज इन एडवांस डज द ऑक्यूपायर ऑफ अ फैक्ट्री परमिसेस गिव नोटिस ऑफ ऑक्यूपेंसी टू द चीफ इंस्पेक्टर। मतलब फैक्ट्री परिसर पर कब्जाधारी, मतलब किसी प्रकार की फैक्ट्री अगर कोई बनाना चाहता है कहीं, तो ज़मीन पर जो है उस पर कब्जा करने के पहले, फैक्ट्री बनाने से पहले जो कितने दिन से पहले जो है नोटिस, जो इंस्पेक्टर होता है, निरीक्षक जो होता है, मुख्य निरीक्षक, उसको नोटिस देगा, ठीक है, चीफ इंस्पेक्टर को, तो वो जो है 15 डेज, ठीक है, इसका 15 डेज, यही क्वेश्चन पूछा जा चुका है और हमेशा पूछा जाता है, फैक्ट्री बनाने से पहले 15 दिन पहले इनको क्या है, नोटिस देना है, परमिशन लेना है। तो 89 का हो जाएगा 1। 90 के देखिए, इन विच ईयर डिड फैक्ट्री एक्ट कम इन टू फोर्स। फैक्ट्री एक्ट जो एक्ट है कब फोर्स में आया, ये आपसे पूछ रहा है कि इस वर्ष लागू हुआ फैक्ट्री अधिनियम जो 1948, तो इसका जो हो जाएगा 1 अप्रैल 1949 को ये लागू हो गया था, ठीक है, इसका नाम है फैक्ट्री अधिनियम 1948। तो 90 का हो जाएगा 2। 91 देखिए, एट प्रजेंट ऑन विच पैटर्न इंसेंटिव इज गिवेन इन मैकेनिकल फैक्ट्री। गोरखपुर जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट है वहाँ CLW पैटर्न मिलता है, ठीक है, इसका हो जाएगा 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, CLW इंडियन रेलवे फैक्ट्री व्हेन वाज द इंसेंटिव ऑन द लाइन ऑफ पैटर्न इंट्रोड्यूस्ड। अच्छा, रेलवे जो रेल कर्मचारी जो है, इंसेंटिव कब से शुरू हुआ, CLW पैटर्न की तर्ज पर इंसेंटिव देना कब से शुरू हुआ, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो ये दिसंबर 1954 से हुआ है, ठीक है, लेकिन 1954 ऑप्शन में 1954, तो 92 का हो जाएगा 1, ठीक है। व्हाट इज द परसेंटेज रेट ऑफ सेव मैक्सिमम टाइम बाय रेलवे एम्प्लॉय CLW पैटर्न इंसेंटिव में, कितने परसेंट जो है मैक्सिमम टाइम सेव करने का है दिया हुआ है, तो जो मैक्सिमम है वो है 50%, ठीक है, 50% से ज़्यादा टाइम सेव करते हैं तो फिर उसका पैसा नहीं मिलेगा, सिर्फ 50% तक ही टाइम सेविंग का पैसा मिलता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 93 का हो गया 1। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, व्हाट परसेंटेज ऑफ इंसेंटिव गिवन टू SSC इन मैकेनिकल वर्कशॉप गोरखपुर। जो SSCs होते हैं वो कहीं के भी हों, उनको जो इंसेंटिव का जो परसेंटेज है वो 15% मिलता है, ठीक है, CLW पैटर्न के अकॉर्डिंग। चलिए, क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, व्हाट इज द मैक्सिमम इंसेंटिव गिवन टू इसेंशियल डायरेक्ट वर्कर EIW एज पर द टोटल परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वर्कर्स। टोटल परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वर्कर्स का 80%, ठीक है, 95 का हो जाएगा 2। 80% जो है EIW देता है इसेंशियल इनडायरेक्ट वर्कर्स को। चलिए, क्वेश्चन नंबर 96,
Which shop of mechanical workshop, Gorakhpur district, is not direct responsible of POH of coaches? कौन सा जो है डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल नहीं है POH, पीरियडिक ओवरहॉलिंग का डायरेक्ट कौन नहीं है? मिल राइट शॉप क्या करता है, उसमें मशीन वगैरह जो है ट्रावर्सर जो होगा इस तरह का रिपेयरिंग करता है। मिल राइट शॉप के लोग जो करते हैं। पेंट शॉप भी POH में भाग लेगा क्योंकि पेंटिंग होगा लास्ट में। व्हील शॉप भी व्हील का POH करेगा। बोगी शॉप में तो POH होता ही है। तो ये मिल राइट इसका 4 हो जाएगा आंसर, ठीक है, क्योंकि मिल लाइट का जो वर्कर्स हैं उनको बोगी और कोच से कोई काम नहीं है। वो क्या करते हैं, सारे सेक्शन का मशीन वगैरह जाके रिपेयरिंग करते हैं। कोच इंस्पेक्शन विंग इज कवर्ड अंडर द इंसेंटिव स्कीम ऑफ CLW पैटर्न। कोच निरीक्षण विंग को CLW पैटर्न इंसेंटिव स्कीम के अंतर्गत शामिल किया गया है, ठीक है। सही है कि गलत है, क्या है उसके बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल सही है, ठीक सही है। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए। What is the contingency allowance in CLW pattern incentive scheme? में contingency allowance जो होता है वो 10% होता है, ठीक है। तो 98 का हो जाएगा, 3, ठीक है। contingency allowance जो होता है 10% होता है, 98 का हो जाएगा 3। आगे देखिए, मैक्सिमम होता है, ठीक है, मैक्सिमम 10% होता है। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए। CLW व्हाट परसेंटेज ऑफ इंसेंटिव डज द सपोर्टिंग डिपार्टमेंट अर्न इन CLW पैटर्न इंसेंटिव स्कीम। जो सपोर्टिंग डिपार्टमेंट होता है, जैसे कि जो वर्कशॉप हो गए रिपेयरिंग वाले, सपोर्टिंग डिपार्टमेंट है वो डायरेक्ट जो जहाँ से प्रोडक्शन होता है वहाँ इंसेंटिव ज़्यादा होती है, सपोर्टिंग डिपार्टमेंट में कम होती है, ठीक है। जहाँ जिसका प्रोडक्शन, जैसे कि ICF हो गया, जहाँ ICF कोच अब तो बंद हो गया, LHB मॉडर्न कुरेल कोच फैक्ट्री हो गया, कपूरथला हो गया, इस तरह में डायरेक्ट जहाँ प्रोडक्शन होता है तो वहाँ इंसेंटिव ज़्यादा होते हैं। और जो उसका रिपेयरिंग करेंगे तो उसको कहा जाता है सपोर्टिंग डिपार्टमेंट, ठीक है, उनको इंसेंटिव कम होती है। तो उनको कितनी होती है, तो इनका हो जाएगा 50%, ठीक है। हालांकि 50% भी अभी नहीं है, कहीं 39% ही दिया जाता है, कहीं 40% दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से इसका हो जाएगा A1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए। फैक्ट्री एक्ट 1948 की कौन सी धारा फैक्ट्री को प्रभावित करती है, ठीक है। विच सेक्शन ऑफ द फैक्ट्री एक्ट 1948 डिफाइन एज फैक्ट्री। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 3, हो सेक्शन 2M, ठीक है। 100 का हो जाएगा 3। अब देखिए राजभाषा आ गया है। व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है यूनियन ऑफ इंडिया का, जो होता है वो हिंदी है, ठीक है। 101 का हो गया 1, ठीक है, 101 का 1। 102 का देखिए। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स अंडर विच रीजन अंडमान एंड निकोबार इसम कम। ये रीजन में आता है अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। आपको हर रीजन का याद रहना चाहिए कौन सा रीजन में कौन सा आता है। इन विच आर्टिकल द प्रोविजन रिगार्डिंग ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसी अवेलेबल इन पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संविधान के भाग 5 राजभाषा नीति संबंधी उपबंध किस अनुच्छेद में है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा अनुच्छेद 120, ठीक है, आर्टिकल 120, 103 का हो जाएगा 1, ठीक है। आगे देखते हैं 104। इन कंप्लायंस ऑफ आर्टिकल 344 व्हेन वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन फॉर्मेट। अच्छा, अनुच्छेद 344 के अनुसरण में राजभाषा आयोग की नियुक्ति कब हुई, ये आपसे पूछ रहा है। तो 7 जून 1955 को ही है, ठीक है, 7 जून 1955। ऑप्शन में 1955 वन में है, तो इसका हो जाएगा 104 का 1। क्वेश्चन नंबर 105 एज पर कॉन्स्टिट्यूशन हु इज ट्रांसलेटिंग द स्टेचुअरी रूल्स रेगुलेशन एंड ऑर्डर, ठीक है। संविधान के अनुसार संविधिक नियमों विनियमों और आदेशों का अनुवाद कौन करता है, तो गृह मंत्रालय, ठीक है, कानून मंत्रालय करता है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, ठीक है, विधि मंत्रालय। तो 105 का हो जाएगा ए, यानी कि 1, ठीक है, लॉ मिनिस्ट्री। 106 देखिए। When was Part 17 of Constitution passed in Parliament? पार्लियामेंट में जो Part 7 है वो कब पास हुआ, वो आपसे पूछ रहा है। तो
इसका जो डेट है 4/9/1949, ठीक है, 14 सितंबर 1949, ठीक है, 14 सितंबर 1949, और ये ऑप्शन में कहीं भी नहीं है, ठीक है। तो इसका 14 सितंबर 1949 याद रख लीजिए, ठीक है, ठीक है। नहीं, 14 सितंबर 1949 ऑप्शन में तो नहीं है, हाँ सही में नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 14 सितंबर 1949, जो कि ऑप्शन में नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 107 देखते हैं। विच चेयर्ड द फर्स्ट रेलवे हिंदी सलाहकार समिति कॉन्स्टिट्यूटेड 1973, ठीक है सर। अभी देखिए यहाँ 1973 की जगह 1963 लिख दिया है, तो वो भी एक दो गलतियाँ हैं यहाँ, वो 1973 होना चाहिए। में गठित पहली रेलवे हिंदी सलाहकार समिति की अध्यक्षता किसने की, कम से कम एक दो तीन चार पाँच क्वेश्चन इसमें गलत हो गए हैं, तो कोई बात नहीं है, मैं तो हूँ आपको समझाने के लिए। तो हुई चेयर फर्स्ट, मतलब कि राजभाषा गठित पहली हिंदी रेल राजभाषा समिति की अध्यक्षता किसने की थी, ये पूछ रहा है। तो 1973 में जो गठित हुई थी उसकी पहली अध्यक्षता जो है किसने की थी, उसकी पहली अध्यक्षता ललित नारायण मिश्र, ठीक है, ललित नारायण मिश्र की थी, ने किया था। और 107 का हो गया 3, ठीक है, 108 देखिए। इन विच ईयर द हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ रेलवे बजट वाज पास्ट, हिंदी ट्रांसलेशन मतलब रेलवे बजट का हिंदी अनुवाद सबसे पहले कब तैयार हुआ, प्रिपेयर्ड है, पास नहीं है, प्रिपेयर्ड है, कब तैयार हुआ ये पूछ रहा है। तो जो तैयार हुआ था लाल बहादुर शास्त्री के शासनकाल में 1955-56 में हुआ था, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 4 में 1956 है, हालांकि 55 भी ऑप्शन में है, तो 1955-56 है, तो 56 में इसको 4 ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर 108 का हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 109 देखिए। हाउ मेनी हिंदी कोर्सेज आर प्रिस्क्राइब्ड फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लाई, 3 हो गया इसका, ठीक है, 3 है इसका, हमेशा 3 ही लगाइएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 110 देखिए, 109 का हो जाएगा 2। लास्ट क्वेश्चन, और व्हेन वाज प्रेजेंट पार्लियामेंट्री कमिटी ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज कॉन्स्टिट्यूटेड, जो वर्तमान में संसदीय राजभाषा समिति है उसका गठन कब हुआ था, ये आपको पूछ रहा है, ठीक है। इसका हो जाएगा 1976, ठीक है। चलिए पूरा क्वेश्चन हमने आपको बता दिया है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और नोट्स के लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर 8121390906, ठीक है, इतना नंबर पर संपर्क कीजिए, 8121390906 पर। 2000 रुपये इसका चार्ज लगता है, ठीक है। मेरे नोट्स अगर आप लीजिएगा तो 70-80% या 90% भी आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन डायरेक्ट मैच कर जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप तैयारी अच्छे से करते हैं, सीरियसली लेते हैं, तो आप नोट्स ले सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, वीडियो भी मैं आपके लिए बनाता ही रहता हूँ। तो जय हिंद, धन्यवाद।